कक्षा आठवीं जनरल इंग्लिश का ये पेपर रहेगा एनुअल एग्जाम एनुअल एवेल्यूएसन के लिए है पहला ही क्वेश्चन देखते हैं ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी ये लिखा रहेगा तो डू एज डायरेक्टेड राइट द कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखना है किसका स्मॉल का एंड एंड सम का तो बस कुछ नहीं कंपेरेटिव लिखना है तो आप स्मॉल का ई आर और जोड़ दीजिए इस स्मॉलर हो जाएगा स्मॉलेस्ट में ई एस टी जोड़ दीजिए तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा देन आई एम टॉक गोना टू टॉक हैंडसम तो इसमें हैंडसम में भी आपको देख के अजीब सा लगेगा पर कुछ नहीं होगा कंपेरेटिव डिग्री में ई ER आर जुड़ जाएगा ये ई पहले से आर और जुड़ना है और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हैंड समेस्ट एस टी और जुड़ जाएगा तो हैंड हो जाएगा आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स ब्रैकेट में दिए गए उनके अनुसार में बदलना है पहला देर आर बेली देर आर वैल्यूएबल टू ऑल ट्रीज आर सॉरी आई एम गोना टू रीड दैट ट्रीज दैट इज ट्रीज ट्रीज आर वैल्यूएबल टू ऑल चेंज इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव में नॉट जोड़ना है क्योंकि हेल्पिंग ऑलरेडी है तो ट्रीज आर नॉट वैल्यूएबल यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए क्वेश्चन की बात बन जाएगी अगला क्वेश्चन देखते हैं देअ वॉज अ पुअर बुट कटर लकड़ी काटने वाला तो इसको इंटेरेगेटिव बनाना है तो इंटेरगेटिव हेल्पिंग पर आगे आ जाती है इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो वॉच देयर वॉच को यहाँ लिखेंगे हम और देयर का टी छोटा कर देंगे डब्ल्यू का वाज हो जाएगा कैपिटल तो वॉच यहाँ जाएगा वॉच देयर अ पुअर वुड कटर ठीक है वॉच का कैपिटल टी का स्मॉल हो जाएगा देयर का टी इसके बाद चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट ये जो खालिस्तान है यहाँ इन वर्ब में से हमें कोई राइट चूज करनी है तो आई डोंट खालिस्तान लाइक like या लाइक ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं क्योंकि डोंट के साथ जो वर्ब की रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो आई डोंट लाइक बन जाएगा ये इसके बाद क्वेश्चन है सी खालिस्तान हर वर्क यस्टरडे तो सी डन या डिड डन के साथ थर्ड फॉर्म है डन डन के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगी थर्ड फॉर्म के साथ तो इसलिए यहाँ पर डिड आएगा तो सी डिड हर वर्क ठीक है डन क्यों नहीं आया क्योंकि डन थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म जब आती है तो कोई हेल्पिंग वर्ब हो, और होनी चाहिए वो जो कि यहाँ है नहीं अगला फिल इन द ब्लैंक्स इन अप्रोप्रिएट मॉडल अब हमें अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है अभी नॉर्मल वर्ब्स थी खालिस्तान आई कम इन सर सर से कही गई इसलिए फॉर्मल परमिशन की बात है फॉर्मल परमिशन में बच्चे है, in, बोलते हैं मैं आई कम इन सर बोलते हैं जबकि बोलना चाहिए मे आई कम इन सर अगला खालिस्तान यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज अब प्लीज वाली बात है तो कुड या मे कुड का भी यूज परमिशन के लिए या निवेदन के लिए होता है और मे का भी पर ये मे ज़्यादा परमिशन के लिए बेटर है तो मे यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज अगला क्वेश्चन रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना है तो रीअरेंज करना है इनके लिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कोई बर्व दिख रही है क्या बर्व नहीं है तो यूजफुल और आर दो बार आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो आर यूजफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में है तो आर को हम वर्ब मानेंगे तो इसका सब्जेक्ट कौन है तो नाउन है केवल डैम तो डैम्स आर ही हो जाएगा तो डैम्स आर फिर एडजेक्टिव आएगा तो डैम्स आर यूजफुल फॉर ऐसा बन जाएगा किसी भी को जब करना है तो आप वर्ब देखिए और उस वर्ब का सब्जेक्ट देखिए यानी नाउन तो यहाँ पर वर्ब क्या है स्पीक कोई हेल्पिंग वर्ब है कैन एक मॉडल है हेल्पिंग वर्ब ही है वो एक्जिली वर्ब तो स्पीक हो गया कैन आ गया अब देखें स्पीक का सब्जेक्ट क्यों हो कौन हो सकता है कर्ता कौन हो सकता है तो इंग्लिश तो हो नहीं सकता आई तो आई स्पीक अब हेल्पिंग वर्ब बीच में आ जाएगी तो आई कैन स्पीक इंग्लिश ऐसा बन जाएगा इसका अगला हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिजास्टर डिजास्टर यानी तरह से बर्बाद हो जाना कुछ तो डिजास्टर आ डिसरप्शन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इसे एक लाइन में ही लिखना है तो डिजास्टर इज डिसरप्शन अब थोड़ा सा और डिटेल में लिखना है क्योंकि आइदर नेचुरल और मैन मेड यानी या तो स्वाभाविक रूप से या लोगों द्वारा बनाया गया तो डिजास्टर इज अस डी आई डिस आर यू पी टी आई ओ एन डिजास्टर इज एट डिप्रेशन आप अच्छे से देख लीजिए अगला क्वेश्चन है वॉट डिड द ब्लेजर्स डिसाइड वैन द एग्जमैन रिफ्यूज टू रिटर्न जब एक्समैन ने रिफ्यूज कर दिया वापस आने के लिए तो ब्लेजर्स ने क्या डिसाइड किया डिसाइड वैन एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न वापिस आने के लिए तो इसका आंसर भी वैसे तीन ही करने हैं तो आप कोई तीन कर लीजिए सॉरी uh, पांच करने हैं तो शुरू के पांच कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली द ब्लेजर्स वेन ये क्वेश्चन लिखा है वाट डिड द ब्लेजर्स तो अपन लिखेंगे द ब्लेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एग्स टच द ट्री एट एनी कॉस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार ये चार आ गया है सॉरी मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर आना है हम हमारे लिए अभी तो ये हमको देखना है यहाँ पर देख लेते हैं कंबाइन द सेंटेंस बिलो यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन तो आपको अप्रोप्रिएट तीन में से चुनना है एंड और और बट सी इज स्लो वाइज स्लो है सी इज स्योर यानी बहुत विश्वसनीय है तो क्या आएगा सी इज स्लो बहुत स्लो है तो एंड और बट एंड सी इज स्योर तो नॉर्मल बात हुई सी इज स्लो एंड श्योर ऐसा लिख सकते थे पर दो सेंटेंस अलग से बनाए हैं इसका मतलब कुछ अलग है तो सी इज श्योर बट सी इज सी इज स्लो बट सी इज श्योर इसका मतलब वो है बहुत धीमी है पर वो विश्वसनीय है तो सी इज स्लो बट सी इज श्योर अगला हरीअप यू विल बी लेट इसको क्या करना है हरीअप यानी जल्दी करो यू विल बी लेट आप लेट हो जाओगे तो एंड और या बट एंड यानी और ओ आर और, और, और का मतलब अथवा और बट आने किंतु आदि तो हमें लिखना है अब और यू विल बी लेट यानी तुम लेट हो जाओगे तो अथवा तुम लेट हो जाओगे या तुम लेट हो जाओगे तो और का मतलब या हिंदी में तो यहां पर और आएगा बीच में अब हमें क्वेश्चन नंबर टू में जो आंसर करना है राइट द आंसर राइट द आंसर एज आस्क्ड ठीक है जो पूछा गया उसका आंसर देना है पहला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द रिवन बिलो नीचे जो दिए गए उनका आपको अपोजिट जेंडर लिखना है किंग का क्यू इन क्यू यू डबल ई एन क्यू इन ऑक्स का सी ओडबू काउ बना दीजिए मैन का एम मैन का बुमेन बना दीजिए डब्ल्यू ओ और आगे जोड़ दो तो बन जाएगा डब्लू ओ एम ए एन मैन हैन हैन यानी मुर्गी और कई बार लोग कुक लिख सकते हैं पर रूस्टर इसका है आर डब्ल्यू एस टी ई आर रूस्टर यानी मुर्गा अगला क्वेश्चन देखते हैं राइट रैमिंग वर्ड नीचे जो वर्ड्स लिखे इन, इनके समान राइम वाले वर्ड्स लिखना है तो होल्ड के बहुत सारे हो सकते हैं कोल्ड भी हो सकता है फोल्ड भी हो सकता है तो आप फोल्ड लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा अगला देखते हैं फ्री फ्री का क्या बनाएंगे ट्री बना सकते हैं टी आर डबल ट्री या फिर फ्री का थ्री भी बना सकते हैं तो फ्री का ट्री या थ्री बना दीजिए सेम राइमिंग हो जाएगा ट्री बना दीजिए अगला पूछा स्लीप स्लीप का राइमिंग डीप हो सकता है डी डबल पी डीप की अगला जग जग का राइमिंग बर्ड एम यूजी मग जग मग जगमग हो गया ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जगमग करें यानी जगमगाएं एजुकेशन का चैनल है तो एजुकेशन की बात होगी अगला राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे दिए हुए शब्द का फॉलो वो प्लूरल फॉर्म लिखना है तो मैंगो का प्लूरल बस एस जोड़ देना है तो मैंगोज हो जाएगा चेयर का प्लूरल एस जोड़ दो तो प्लूरल हो जाएगा चेयर्स हो जाएगा टूथ का प्लूरल फॉर्म टीथ हो जाएगा टी डबल ई एस टीथ फिर उसके बाद लेडी तो वाई हटा दीजिए एल सॉरी पी एल ए वाई तो वाई हटा के आई ई एस और जोड़ना है तो लेडीज हो जाएगा अगला है राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग तो यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया है वन वर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी इनको मैं बता के छोड़ता हूं वन हु कट्स बुट्स तो ये बुट कटर पुस्तक में ही पहले ही क्वेश्चन पूछा है बस डबल टी याद रखना बुट कटर में वन हु ट्रेवल्स तो ट्रेवल का ट्रेवलर हो जाएगा तो ई आर और इसमें जोड़ दीजिए वन हु मेक्स ज्वेलरी तो ये वाई हटा दीजिए ज्वेलर हो जाएगा अगला वन टीचेस तो ये एस हटा के और जोड़ दीजिए <coughs> हटा के तो टीचर हो जाएगा है कोई पांच करने हैं वॉट इज कान्हा किसली तो कान्हा किसली का आंसर या एक या दो लाइन में देना है तो एक लाइन में दे दीजिए कान्हा किसली इज आ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश इज अ नेशनल पार्क ठीक है दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन कंजर्वेशन हिंदी में ऐसे संरक्षण कहते हैं अब कंजर्वेशन प्रोटेक्शन तो ऐसा लिख सकते हैं कंजर्वेशन इज एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल नैचुरल यानी प्रोटेक्टिंग टू अर्थ प्रोटेक्टिंग अर्थस नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा लिख सकते हैं इनवाइटेड टू ड्रॉप ड invited, invited, नहीं टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग तो हुईटेड टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग अगला विच इज द बेस्ट फॉर द फॉर वे तो जो आपने एक लेसन था यक्ष बाला उसी से ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर है नॉट हेट टू तो हेट नॉन यानी किसी से घृणा नहीं करना टू तो हेट नन ये वर्चु प्लेस ये उसका पार्ट का है अगला क्वेश्चन है ये तो हुए हमारे इसके इसी में ही अगला क्वेश्चन है फोर आया। इसमें पूछा, करना लास्ट स्पेस बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन आई भी है तो आप लिखेंगे कल्पना चावलास लास्ट स्पेस मिशन वाज कल्पना चावलास वाज कॉल्ड एस टी एस उनके स्पिस मिशन का नाम था एस टी एस वन जीरो सेवन तो ये आप लिखेंगे कल्पना चालास लास्ट मिशन वाच कॉल्ड एस टी एस वन जीरो आप और क्या लिखेंगे इट टू तो कॉप यानी ये जमीन से उड़ा था तो इट टू कॉप ऑन सिक्सटीन जनवरी टू थाउजेंड थ्री अनफॉर्चुनेटली सोलह मिनट पहले लैंडिंग इट पेरिस ये लिख सकते हैं हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप चंद्रशेखर आजाद ने तो आप लिखेंगे वंस ही वाज सराउंडेड बाय पुलिस पुलिस ने उन्हें घेर लिया इन पार्क ही सरेंडर बट सेल्फ सूट हिम सेल्फ उन्होंने खुद को सूट कर लिया थस ही प्रूवड हिज नेम आजाद इस प्रकार उन्होंने अपना नाम आजाद प्रूव कर दिया अगला हु द फोर ट्रैप्ड इन वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल तो इनमें चार जो लोग थे एक स्नैक था एक ज्वेलर था एक लॉइन था तो इनमें अनग्रेटफुल well किसने प्रूव किया था तो आंसर लिखेगा हु I mean, ज्वेलर अमॉन्ग द फोर ट्रैप्ड तो यहाँ हु की जगह आ जाएगा ज्वेलर और हाउ के लिए कैसे लिखेंगे तो आप लिखें वुड कटर हेल्पिंग इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर ही प्रूव्ड बुड कवर टू बी अ थीप उसने थीप प्रूव कर दिया था ये लिख देंगे अगला है राइट शॉर्ट नोटिस ऑन भगोरिया हार्ट भगोरिया हाट पर शॉर्ट नोटिस है तो आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो रहा तो अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा तब तक के लिए इंतजार करें नमस्कार